हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितपाल सिंह गवर्नमेंट हाई स्कूल हनुमानगढ़। अपने क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लास चल रही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में आज का अपना टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? मैं पहले भी पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, DBMS में हमने पढ़ते थे। ओवरऑल स्ट्रक्चर में कह सकते हैं आर्किटेक्चर, जैसे DBMS में अपने स्ट्रक्चर देखते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, डाटा बेस फाइल बनाते थे, उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह अभी यहाँ भी है क्लाउड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक क्लाउड आर्किटेक्ट इज एन IT प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग ए कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग स्ट्रेटेजी। दिस इंक्लूड्स क्लाउड कॉम्प्लिकेशन प्लान्स, क्लाउड एप्लीकेशन डिजाइन, क्लाउड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। ये क्या कहता है? क्लाउड आर्किटेक्चर का मेन काम क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरसीइंग, मतलब देख रेख, जो भी उसने आर्किटेक्ट बनाया उसके उसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है, उसकी देख रेख में सारा काम होगा। वो एक स्ट्रेटजी बनाएगा। इसमें से एग्जांपल भी दिया है क्लाउड कमीशन, जैसे प्लान्स बनाने, क्लाउड में डिजाइन करना, उसको मैनेजमेंट करना और लास्ट में मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे दो बार, यू कैन डिवाइड क्लाउड आर्किटेक्चर इन टू टाइप्स। कैसे? एक नंबर पर लिखेंगे फ्रंट एंड, दूसरा लिखेंगे बैक एंड। फ्रंट एंड क्या चीज है? यूज इंटरफेस फॉर क्लाइंट। क्लाइंट से सीधा संपर्क होगा इसका। क्लाइंट का मतलब जो अपने यूजर हैं वो क्लाइंट के अंदर आ जाते हैं, अपने जो यूज कर रहे हैं वो क्लाइंट के अंदर आते हैं, वो इंटरफेस होगा सीधा। किसके थ्रू? वेब ब्राउजर। जैसे अपने इट इज यूजिंग क्लाउड सर्विस एक्सेस, एक्सेस का काम कौन करेगा? देखने का वेब ब्राउजर। अपने इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरी तरफ है बैकएंड, इट बिलोंग्स टू क्लाउड प्रोवाइडर्स। ये किससे डिपेंड करेगा? बैकएंड मतलब प्रोवाइडर, जो अपने को प्रोवाइड कर रहा है वो बैकएंड के अंदर आ चीजें आ जाएगी। इसमें क्या कुछ आएगा? ऑल द रिसोर्सेज आर मैनेज फॉर हेयर, यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का काम इसी के अंदर बैकएंड के अंदर होता है। कौन कौन से? जैसे स्टोरेज डिवाइसेज, वर्चुअल मशीन, सिक्योरिटी वगैरह, वो सारे काम बैकएंड में होते हैं। अब इसका एक डायग्राम हमने बनाया, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले इसमें आ जाएगा क्लाइंट साइड इंफ्रास्ट्रक्चर एक नंबर पे। उसके बाद इसमें है इंटरनेट, ये इसको क्या बोलेंगे अपने? फ्रंट एंड। ये अपना क्या है? फ्रंट एंड कहलाएगा। ये वाली जो चीज़ है फ्रंट एंड कहलाएगा। इसका संपर्क इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट से अपने सारा काम, अपने को सुविधा मिलेगी। जो भी अपने काम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रंट एंड, जिधर जो काम कर रहा है वो इसकी हेल्प से होगा, इंटरनेट की हेल्प से। अब इंटरनेट का लिंक आगे है बैकएंड से। बैकएंड में अब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। बैकएंड में क्या आएगा? सबसे पहले एप्लीकेशन आ रहे हैं, एप्लीकेशन मतलब जो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करेंगे। दूसरा आ जाएगा सर्विसेज, जो अपने को सर्विस मिलेगी बैकएंड के अंदर। तीसरा आ जाएगा स्टोरेज डिवाइसेस, जो स्टोरेज अपने को करनी है, जो भी अपना यूज करना है वो स्टोरेज डिवाइसेस में सारा कुछ सेव होगा। इसके अलावा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी अपने को उपलब्ध होगा, ये इसमें बैकएंड में चीजें आती हैं। अब ये सारे काम करेगा कौन? मैनेजमेंट, इसकी अलग से मैनेजमेंट होगी। इसके अलावा सर्विसेज, दो चीज़ें इसमें मेन है, मैनेजमेंट और सर्विस। इसमें क्या सुविधा अपने को? एप्लीकेशन की, सर्विसेज की, स्टोरेज डिवाइसेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है अपने को इसमें मिलता है। इसको बोलते हैं बैकएंड और फ्रंट एंड, दो चीज़ें हैं। सारा काम अपने यूजर कर रहा है फ्रंट एंड, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। कहाँ से? अपने को एप्लीकेशन, इसको अपने बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज डिवाइसेज, इसको सारा को बोलेंगे बैक एंड। तो कहने का मतलब ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। इसको अपने को भी डेफिनेशन, वैसे इसका सारा कुछ मैंने उसमें थ्योरी के अंदर भी दिया हुआ है, अलग अलग इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके अलग अलग पॉइंट, फ्रंट एंड की डेफिनेशन, बैक एंड की डेफिनेशन, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। उसमें आर्किटेक्चर भी आपको, स्ट्रक्चर भी, डायग्राम भी बना के उन्होंने दिखाया है। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से नोट भी कर लोगे, वैसे PDF फाइल बना के आपको दी गई है। PDF फाइल हम पहले दे देते हैं, आप उसको पढ़ लो, उसके बाद उसको समझा भी रहे हैं, सारा पूरा लिखा हुआ सामने, उसको हमने हिंदी में आपको समझा रहे हैं। हिंदी के अंदर भी इसको हमने बनाया है, कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की, तो आप वहाँ से इसको पढ़ भी सकते हो। कहने का मतलब ये आपका टॉपिक कौन सा था? क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक में आगे अपने करेंगे। धन्यवाद।